अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल और मैं हूं रुकैया नईम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं रावलपिंडी के एक शॉपिंग मॉल में, जहां मैं आपकी मुलाकात आज करवा रही हूं। सबसे कम उम्र एक कारोबारी शख्सियत, जिनकी उम्र सिर्फ 18 साल है और वह भी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं, लेकिन वो अपना काम कर रही हैं, अपना बिज़नेस कर रही हैं। कैसे ये कारोबार शुरू किया, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं। नाम क्या है आपका? मिनाहिल। मिनाहिल, आपने छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं, कैसे? ब्रांड बनाने का ख्याल कैसे आया, कारोबार शुरू करने का ख्याल कैसे आया था आपको? ये बस मुझे शौक़ था बिज़नेस का, अपना पर्सनल बिज़नेस का। तो मैंने फिर पहले तो काम मैंने स्टार्ट लिया था इधर एज अ सेल गर्ल, बस उसके बाद फिर मुझे अपना पर्सनल शौक हो गया अपने बिज़नेस का, तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी माशाल्लाह से 18 है। और सेल गर्ल का काम आपने कब शुरू किया था, किस एज में शुरू किया था? मैंने 17 में सेल गर्ल का काम शुरू किया था, वो भी मैं अपनी कज़न के साथ आई थी, उनको जॉब की ज़रूरत थी। पर मैं इस मॉल में आई तो यहाँ पर एक आंटी थी, वो जो उनकी शॉप थी, उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको हायर करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मुझे भी बड़ा शौक़ था इस चीज़ का। तो फिर मैंने उनके साथ काम किया 2 महीने, तो फिर मेरा शौक़ से डेवलप होता गया, तो फिर मैंने अपनी पर्सनल शॉप बना ली। अपना कारोबार कब शुरू किया, किस डेट को शुरू किया? मैंने तकरीबन 17 जून से मैंने अपनी शॉप स्टार्ट कर ली थी। अच्छा, अभी आपने यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, आप स्टूडेंट लग रही हैं, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट लग रही हैं, तो एक स्टूडेंट और साथ अपना कारोबार, ये सब चीज़ों को मैनेज कैसे करती हैं आप? मैं जी सुबह 8 बजे से जाती हूँ कॉलेज और फिर 1 बजे वापस आती हूँ, उसके बाद मैं इधर शॉप पर आ जाती हूँ डायरेक्ट कॉलेज से, फिर अपनी स्टडी भी इधर कर लेती हूँ, जो कॉलेज का काम मिला होता है, फिर वो यहाँ पर बैठ के जब कस्टमर नहीं होता तो फिर मैं अपना सबक याद कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद जब कस्टमर आता है तो फिर मैं कस्टमर डील कर लेती हूँ। मैनेज करना मुश्किल नहीं है ये। जब आपने घर वालों से कहा कि मैं अपना काम शुरू करना चाहती हूँ, तो घर वालों ने कुछ नहीं कहा कि अभी तो आप स्टूडेंट हैं, अभी तो आपकी पढ़ाई के दिन हैं, अभी आप छोटी हैं, इस तरह का कोई ऐसी उन्होंने कोई बात नहीं की? नहीं, मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि उन्होंने मुझे इस चीज़ से मना नहीं किया। जब मैंने उन्हें बोला कि मैं अपना काम स्टार्ट करना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे फादर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मैंने जाके उनको बोला ऐसे ही कि मुझे अपनी शॉप बनानी है, उन्होंने मुझे दूसरी बात ही कोई नहीं की, उन्होंने बोला ठीक है तुमने जो जो चीज़ें रखनी है तुम उन सबका डाटा वगैरह एक बना दो और हम तुम्हारे साथ, फिर जो तुमने काम करना है तो स्टार्ट कर दो। और आपकी वालदा ने क्या कहा? वालदा ने तकरीबन मना करने की कोशिश की थी, क्योंकि वालदा को मेरी हरकतों का और मेरी सारी आपको अब एज ही ऐसी है, तो उन्होंने मना किया था एक दफ़ा, लेकिन मेरे फादर की फुल सपोर्ट थी तो फिर वालदा भी मान गई। तो कितने बहन भाई हो आप लोग? हम 5 बहन भाई हैं। उनमें से आपका नंबर कौन सा है? सेकंड पे। अच्छा, जब आपने खुद सोचा कि मैंने अपना काम करना है, तो सबसे आपको ज़्यादा ख्याल किस चीज़ का आया कि मुझे क्या क्या अपनी शॉप में रखना है, मुझे किस से आगाज़ करना है, तो कितना आपने टाइम इस पे इनके वर्क करने में कितना टाइम लगाया आप? पहली बात तो मार्केटिंग देखनी पड़ती है, और फिर जब जिस एरिए में आप चीज़ ले रहे हैं फिर वो देखनी पड़ती है कि किस एरिए में क्या चीज़ नहीं है, किस चीज़ की कमी है, तो मैंने उस हिसाब से देखा। तो फिर मैंने अपनी शॉप पर मैंने ये नहीं सोचा कि मैं सिर्फ कपड़े रखूँगी या मैंने सिर्फ जूते रखने हैं, मैंने मल्टी चीज़ें रखी हैं, इसीलिए मैंने अपनी शॉप का नाम द क्यूट कॉर्नर रखा है, क्योंकि अगर यहाँ से कोई आता है उसको शर्ट नहीं पसंद आती तो वो शूज़ ले लेता है, शूज़ नहीं पसंद आते तो वो बैग ले लेता है, बैग नहीं पसंद आता तो वो कॉस्मेटिक्स में कोई चीज़ ले लेता है, इसलिए मैंने मल्टी चीज़ें रखी। तो परचेज़ आप खुद करती हैं जाके? जी, मैं खुद जाती हूँ, लाहौर भी गई हूँ मैं इस सिलसिले में, कराची भी गई हूँ, और अभी यहाँ से पिंडी से भी काफ़ी चीज़ें ली हैं। आप अकेले मूव करती हैं या फिर आपके फादर या आपके भाई आपको सपोर्ट करते हैं? नहीं, मुझे मेरे फादर सपोर्ट करते हैं, और जब मुझे ये सारी चीज़ें लेनी होती हैं शॉप के लिए, तो फिर हम फादर से पैसे लेके मामा के साथ जाके चीज़ें ले आती हूँ। तो आपको इसके अलावा भी कोई शौक़ है? इसके अलावा मुझे खुद पार्लर का शौक़ है और कैफ़े का भी शौक़ है, काफ़ी शौक़ है, पेंटिंग का भी शौक़ है मुझे, स्केचिंग का शौक़ है मुझे। तो करती भी हैं, स्केचिंग करती भी हैं? जी, मैंने स्केचिंग की भी है, और मैं जो एक इंसान का स्केच होता है उसको देख के वो नहीं बना सकती हूँ, पर बारबीज़ वगैरह के काफ़ी स्केच मैंने बिल्कुल एज इट इज़ बनाए हुए हैं। इस शॉप की अगर बात की जाए तो इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं जो आप प्रोडक्ट जो आप सेल कर रही हैं? जी, इसमें बच्चों के कपड़े हैं, बच्चों की शर्ट्स हैं, बच्चों के शूज़ हैं, लेडीज़ शर्ट हैं, लेडीज़ 2 पीस हैं, और बैग्स है, कॉस्मेटिक्स है, ज्वेलरी है, उसके अलावा टॉयज़ हैं। और हम लोग ऑर्डर पे अगर आप हमें एक शर्ट देख के ऑर्डर करते हैं कि आपको वो स्टिच करवानी है तो हम वो भी स्टिच कर देंगे, और यहाँ से भी सारा काम हम लोग कर देते हैं।
अच्छा, जब आपके पास क्लाइंट आते हैं, खासकर फीमेल या मेल जो आते हैं अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं, जब आपको यूनिफॉर्म में देखते हैं और ये छोटी सी बच्ची खड़ी है कॉर्नर पे आपने डील कर रही है, तो उनका रिस्पांस कैसा होता है? वो एक पहली दफ़ा तो मुझे देख के सारे हैरान हो जाते हैं कि ये छोटी सी बच्ची है, लेकिन फिर उसके बाद जब वो मैं गाइड वगैरह करती हूँ उनको, फिर अपनी चीज़ सेल करके बता देती हूँ, फिर मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि आप सही काम कर रही हैं और आप कर सकती हैं, फिर तरह कहते हैं माशाल्लाह से। कभी किसी मौके पर कन्फ्यूजन हुई आपको? स्टार्ट में थोड़ी बहुत हुई थी, क्योंकि वो पहले उनके पास काम करती थी, तो फिर वो जो होता था मतलब ज़्यादा डील करना होता था, फिर वही करती थी, मैं नहीं करती थी, लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर ख़त्म होगी सारी कन्फ्यूजन। जब आप कॉलेज जाती हैं तो आपकी फ्रेंड्स आप डेफिनेटली काम करने वाली हैं, बिजनेस मैन हैं आप, तो उनका रिस्पॉन्स कैसा होता है, आपकी टीचर्स का रिस्पॉन्स कैसा होता है? मैं स्टार्ट में जब कॉलेज गई थी तो उन्होंने मुझे, मैंने यहाँ पर मतलब रिसेंटली मैं कॉलेज स्टार्ट किया, फिर दो दिनों बाद मेरी यहाँ पर मीटिंग थी तो मैंने एब्सेंट किया, तो फिर मैं कॉलेज गई, मैंने जाके बताया कि मेरी इस तरह मीटिंग थी, तो वो तो पहले हैरान हो गई कि तुमने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, तो मैंने उनको बोला कि मैंने इस तरह, मुझे शौक़ था, फिर मैंने उनको सब अपना बताया, सारी डिटेल्स बताई, तो फिर वो भी बहुत खुश हुई, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया, और मेरे टीचर्स प्रिंसिपल्स और मेरे स्टूडेंट काफ़ी क्लास फेलोज़ भी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने विज़िट किया है और काफ़ी चीज़ें बाय करके भी गए। टीचर्स हमेशा आपकी मिसाल देती होंगी जब भी किसी मतलब क्लास में, तब कैसा लगता होगा आपको? वैसे भी, और दूसरा फिर मेरी अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू तो नहीं बनने आता, पर फिर भी मेरी पढ़ाई काफ़ी मतलब अच्छी है, तो वो मेरी ही ज़्यादा एग्जांपल्स देती रहती हैं। इसके अलावा आप कैफ़े का बता रही हैं, तो कैफ़े किस तरह का स्टार्ट करना चाह रही हैं? मैं लेडीज़ कैफ़े स्टार्ट करना चाह रही हूँ, वो भी बहरिया में, कि सिर्फ उसमें वेटर्स जो होती हैं वो भी लड़कियाँ होंगी, और फुल जो सारा सिस्टम होगा वो लड़कियों को होगा, पर अलाओ लड़के लड़कियाँ दोनों ही हैं। वालदा की सपोर्ट आपको इस पूरे काम में कितनी है? वालदा की कर लें आप 80% कर लें, पर वालिद की 90% है, और कैफ़े में जहाँ तक की बात है तो वालिद साहब की थोड़ी कम है और वालदा की फुल फुल है। अच्छा, इस टाइम को कैसे मैनेज करती हैं? यहाँ आपकी जो शॉप है कितने बजे ओपन करती हैं, कितने बजे क्लोज़ कर देती हैं? मैं तो सुबह 8 बजे कॉलेज आती हूँ और 1 बजे वापस आती हूँ, तो हम वालदा इधर आ जाती हैं, और फिर मैं 1 से लेकर 10 बजे तक रात इधर ही होती हूँ। नींद पूरी हो जाती है आपकी? आराम से हो जाती है, नींद पूरी होने के लिए 6-7 घंटे ही बहुत होते हैं, और मुझे तो शायद ज़्यादा ही मिल जाते हैं। अभी जैसे आप बता रही हैं कि आप पार्लर का भी स्टार्ट करना चाह रही हैं, तो पहले स्टडी, फिर आपकी शॉप, फिर पार्लर, फिर आपका टिकटॉक, और फिर उसके बाद कैफ़े, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करें? ये तो मैं ख़ुद भी नहीं जानती हूँ कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, पर मुझे उम्मीद है मैं मैनेज कर लूँगी। आपकी फैमिली में कोई और भी इस तरह का काम करता है, या जस्ट आप पहली फ़ीमेल हैं जो ये काम कर रही हैं? हमारी पूरी फैमिली में से, अपनी फैमिली का बोलूँगी, फ़र्स्ट फ़ीमेल हूँ जिसको ये शौक़ है और वो बाहर निकली है। हमारे ख़ानदान में कभी कोई इस तरह लड़की और किसी को शौक़ भी नहीं हुआ, निकले नहीं, अलग बात है, पाबंदियाँ तो नहीं हमारे ख़ानदान में, लेकिन किसी को ऐसा क्रेज़ ही नहीं हुआ, शौक़ ही नहीं हुआ इस चीज़ का। बच्चियों को और फीमेल्स को क्या मैसेज देंगी, खासकर बच्चियों को क्या मैसेज देंगी? मैं बच्चियों को यही मैसेज दूंगी कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और जो एक्टिविटीज़ आपका करने का दिल करता है वो करें, ये मत देखें कि आपके लिए इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं है, जो आप करना चाहेंगे वो हो जाएगा। तो इससे आपकी अर्निंग हो जाती है, सही हो जाती है आपकी? जी माशाल्लाह से काफ़ी हो जाती है, इतनी हो जाती है कि हम अपना बिल वगैरह और सारा जो होता है शॉप का वो हम लोग निकाल लेते हैं, और प्रॉफिट भी हो जाता है, फिर इसी चीज़ों इन्हीं शॉप की सेल से हम अपनी और चीज़ें भी डाल देते हैं। जी नाज़रीन, मिनाहिल जिनकी उम्र सिर्फ 18 साल है और वो बहुत कुछ करने का अज़म रखती हैं, ये तमाम ख़वातीन और बच्चियों के लिए रोल मॉडल हैं जो ये समझती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती। कैमरामैन अहमद ख़ान के साथ रुकैया नईम और साफ डिजिटल, इस्लामाबाद।